चलिए इसी में सीधा रुख करेंगे शाहजहांपुर का, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। साथियों, ये चुनाव सामान्य नहीं है, ये चुनाव कौन एमपी बने कौन एमपी न बने, किसकी सरकार बने किसकी सरकार न बने, कौन जीते कौन हारे, इतने मात्र के लिए ये चुनाव नहीं है। ये चुनाव आपका एक एक वोट सशक्त भारत को, उस संकल्प को मजबूती देने की गारंटी है, और ये मोदी की गारंटी से भी ज्यादा आपके वोट की गारंटी है। साथियों, इस बार आपको अपने वोट से देश विरोधी मानसिकता वाले लोगों को एक बहुत कड़ा संदेश देना है। ये आपका वोट ही है जो आतंकवाद को काबू में रखेगा। नीचे कर दीजिए, एकदम नीचे कर दीजिए। ये आपका वोट ही है जो भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएगा, और मुझे विश्वास है क्रांतिकारियों की ये धरती इतने बड़े राष्ट्र यज्ञ में सबसे आगे खड़ी रहेगी। आपका ये उत्साह भी बता रहा है कि शाहजहांपुर ने तय कर लिया है फिर एक बार। साथियों, शाहजहांपुर और ये पूरा क्षेत्र आज बीजेपी के विकास का गवाह बन रहा है। ये वही क्षेत्र है जो योगी जी की सरकार बनने से पहले, योगी जी के आने से पहले समाजवादी सब कुछ ठप परियोजना का सबसे बड़ा शिकार था। यहां का सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर ठप था, बिजली व्यवस्था ठप थी, स्वास्थ्य सेवाएं ठप थी, कानून व्यवस्था ठप थी। भाइयों और बहनों, जब से योगी जी आए और उनकी ये पूरी टीम जी जान से काम में जुट गई, समाजवादी सब कुछ ठप परियोजना बंद हुई और विकास की गाड़ी
तेजी से दौड़ना शुरू हुई। पहले जहां सलामत सड़कें नहीं थी, अब वहां एक्सप्रेस वे गुजर रहे हैं। आधुनिक गंगा एक्सप्रेस वे की नींव यही शाहजहांपुर से ही रखी गई थी। ये सौभाग्य भी आप सबने मुझे दिया था। शाहजहांपुर बाईपास, शाहजहांपुर पीलीभीत नेशनल हाईवे और सीतापुर लखनऊ हाईवे का बड़ा लाभ भी यहां के लोगों को मिलेगा। इस विकास ने लखनऊ और दिल्ली की दूरी तो कम की ही है, इससे ये क्षेत्र डिफेंस कॉरिडोर से भी जुड़ेगा। यहां जरी जरदोजी जैसे जिन कामों को हमारी सरकार वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ओडीओपी योजना के तहत आगे बढ़ा रही है, उसके कारीगरों को भी इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। इससे क्षेत्र के किसानों की किस्मत भी बदलेगी। योगी जी की सरकार में गन्ने का भुगतान तो समय से होता ही है, गन्ना किसानों के लिए एथेनॉल के दो प्लांट भी यहां लगाए गए हैं। आप मुझे बताइए, दो लड़कों की जोड़ी, दो लड़कों की जोड़ी जो खुद कई बार फ्लॉप हो चुकी है, आप उनसे विकास की कोई उम्मीद कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? साथियों, हमारी सरकार के लिए युवा, गरीब और महिला और हमारा अन्नदाता, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। हमने 4 करोड़ गरीबों को पीएम आवास दिए हैं, तो इनमें अधिकांश महिलाओं के नाम पर बनवाए गए हैं। शौचालय, उज्ज्वला योजना और जल जीवन मिशन से हमारी बहनों की जीवन से मुश्किलें कम करने के लिए ये आपका भाई दिन रात काम कर रहा है। शाहजहांपुर ने तो जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल पहुंचाने के काम में पूरी यूपी में आपने तो टॉप कर दिया है। अब अगले 5 वर्षों में हम 3 करोड़ महिलाओं को 3 करोड़ महिलाओं को लक्ष्मी बनाएंगे। आप कल्पना कीजिए, गांवों में जब 3 करोड़ लखपति दीदी होगी तो उस परिवार भी कितना आगे बढ़ेगा, उस गांव की इकोनॉमी कितनी आगे बढ़ेगी। और ये 3 करोड़ लखपति दीदी
ये मोदी की गारंटी है। साथियों, मोदी अपने काम का, देश के विकास का लेखा जोखा देकर आपसे आशीर्वाद मांगता है, आपसे वोट मांगता है। लेकिन क्या आपने कभी सपा और कांग्रेस को अपने कार्यकाल पर हिसाब देते हुए देखा है क्या? मोदी ने तो मेडिकल कॉलेज भी बनाए हैं। एक तरफ मेडिकल कॉलेज भी मोदी बनाता है तो अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर भी बना है। मोदी तो बता सकता है, ये कांग्रेस और सपा वाले क्या बताएंगे? जब ये सत्ता में थे तब अयोध्या, बनारस, लखनऊ, कानपुर आए दिन आतंकी हमले होते थे, बम धमाके होते थे। इसके सिवाय लोग बता क्या सकते थे और ऐसे हालत से क्या करते थे? मेरा एक काम है, आप लोग करोगे? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, करोगे क्या? करोगे क्या? देखिए, ये जो फर्स्ट टाइम वोटर है ना, जो पहली बार वोट डालने वाले हैं, जिनकी उम्र अभी अभी 18-20 साल की हुई है, ये लोग पहली बार वोट डालने वाले हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तब उनकी उम्र 8 साल 10 साल थी। उस समय क्या होता था उनको कुछ पता नहीं होगा। अब जैसे आपको याद होगा, जो बड़े हैं ना उनको याद होगा, मोदी के आने से पहले आपको रेलवे स्टेशन पर जाओ तो माइक पर से एक सूचना सुनाई देती थी, बस स्टेशन पर जाओ तो माइक पर से एक सूचना सुनाई देती थी, आप अपने अखबार पढ़े तो उस पर एक सूचना सुनाई देती थी, आप टीवी देखे उस पर एक सूचना आती थी। क्या आती थी? अगर आप कहीं पर भी कोई लावारिस चीज देखें तो उसको छूना मत, कोई लावारिस चीज दिखे तो उससे दूर जाना, कहीं कोई लावारिस बैग पड़ी है, कहीं कोई लावारिस टिफिन पड़ा है, कहीं पर कोई लावारिस कुकर पड़ा हुआ है तो आप दूर रहिए। क्यों? क्योंकि डर रहता था कि जो लावारिस चीजें पड़ी है उसमें बम होगा। और इसलिए पूरी सरकार आए दिन उनको, लोगों को ये बताना पड़ता था। मुझे बताइए भाइयों, 2014 के बाद, मोदी के आने के बाद कभी भी आपने ऐसी सूचना सुनी है क्या? बम धमाका होने का डर बताया जाता था वो है क्या? ये बम धमाके वाले चुप हो गए कि नहीं हो गए? बम बंद हो गए कि नहीं हो गए? कैसे हुआ, कैसे हुआ?
किसने किया किसने किया? अरे मोदी ने नहीं किया, ये आपके एक वोट ने किया है, आपके वोट ने किया, ये आपके वोट की ताकत है जो बड़े बड़े धमाकों को बंद करवा सकती है, क्योंकि आपने सही वोट दिया, सही लोगों को वोट दिया। जो आए दिन बम धमाके होते थे, निर्दोष लोग मौत बिना कारण मरते थे, जिनकी जिंदगी आपके एक वोट ने बचाई है। और इसलिए भाइयों बहनों, और ये तो कहां तक जाते थे, आतंकियों के मरने पर कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता आंसू बहा रही थी। बताइए, क्या आतंकियों के मरने पर आंसू बहाने वाले आपको मंजूर है क्या? इस देश में ऐसे लोगों को सरकार दी जा सकती है क्या? और ये सपा वाले तो ऐसे हैं, जब उनकी सरकार थी तो जो आतंकी जेल में थे उनको जेल से रिहा करवाने के लिए भांति भांति के कानूनी रास्ते खोज रहे थे, आतंकियों को जेल से छुड़वाने के। भाइयों बहनों, क्या ऐसे लोगों के हाथ में आपका जीवन सुरक्षित है, आपका भविष्य सुरक्षित है, आपकी रोजी रोटी सुरक्षित है? और अभी भी ये सुधरने को तैयार नहीं है। आपने देखा होगा, राम मंदिर का उनको निमंत्रण दिया गया। अब देखिए, मैं तो हैरान हूं, ये जो राम मंदिर के ट्रस्टी है ना, उनकी जितनी तारीफ करें उतनी कम है। जो सपा वालों ने कार सेवकों पर गोलियां चलाई थी, जिन सपा वालों ने राम मंदिर न बने इसके लिए ढेर सारे खेल खेले थे, ये कांग्रेस वाले सात सात दशक तक राम मंदिर बनाने से रोक रहे थे, अदालत में जा भांति भांति से रोकने की कोशिश करते थे, सब रोकने के लिए पाप करते थे, सपा हो या कांग्रेस, इन सबके पाप माफ करके ये मंदिर के ट्रस्टी उनको घर जाकर के निमंत्रण दिया कि चलो भाई, जो हो गया, अब सब भूल जाओ, आओ भगवान राम का मंदिर बना है, प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में आइए। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिलना, ये तो सात जन्म के पुण्य है ना, तब मिलता है भाई। इन्होंने तो इसको भी ठुकरा दिया, जिन्होंने राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकरा दिया। और जब ये अभी रामनवमी आई, पहली बार भव्य मंदिर में रामलला विराजमान थे, टेंट से बाहर निकल के पहली बार वो अपना बर्थडे मना रहे थे, उसी समय ये सपा वाले कह रहे थे ये राम मंदिर जाने वाले भक्त तो पाखंडी होते हैं, पाखंडी। क्या भाइयों बहनों, इस देश में ऐसे लोगों की राजनीति चलनी चाहिए क्या? ऐसे लोग एक वोट के भी हकदार है क्या? क्या हर बूथ में से चुन चुन करके उनको साफ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करेंगे? पक्का करेंगे? जरा पूरी ताकत से बताइए, करेंगे?
साथियों, कांग्रेस पार्टी की पहचान रही है इन्हें जब कोई बड़ा कुकृत्य करना होता है तो ये देश और संविधान के नाम पर ऐसे ही हो हल्ला करना शुरू कर देते हैं, चारों तरफ चू 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 करना शुरू कर देते हैं। 70 के दशक में ऐसे ही नारे लगाकर कांग्रेस ने देश में आपातकाल लगाया था, देश को जेल खाना बना दिया था, देश के लाखों लोकतंत्र प्रेमी लोगों को जेल के सलाखों में बंद कर दिया था, अखबारों को ताले लगा दिए गए थे, अगर कोई बोले तो जेल जाने का डर लगता था। फिर से इन दिनों एक बार फिर कांग्रेस ने अपनी फ्लॉप फिल्म रिलीज की है। कांग्रेस की फिल्म में दो डायलॉग है, वो सारे लोग ऊपर से नीचे गुनगुना रहे हैं, दो डायलॉग गुनगुना रहे हैं। पहला डायलॉग है, मोदी जीत जाएगा तो तानाशाही आ जाएगी। आप इससे सहमत है क्या? सहमत है क्या? फिर भी उनकी फ्लॉप फिल्म चलती रहती है। दूसरा, मोदी जीत जाएगा तो आरक्षण चला जाएगा। ऐसा झूठ चलाते रहते हैं। लेकिन आपने देखा होगा, जैसे ही कांग्रेस की इस फिल्म का ट्रेलर उनके घोषणा पत्र में दिखाई दिया, लोगों ने पढ़कर के निकाला, तो ये कांग्रेस का असली चेहरा, कांग्रेस के असली इरादे और पर्दे के पीछे कांग्रेस का हिडन एजेंडा क्या है, देश को उसकी भनक लग गई, देश के कान खड़े हो गए, देश चौंक गया। और अब तो एक एक करके इनकी सारी सच्चाई देश के सामने आने लगी है। भाइयों बहनों, कांग्रेस पूरे देश में आरक्षण का कर्नाटक मॉडल लागू करना चाहती है। अब आपको मालूम है एक कर्नाटक मॉडल क्या है? एससी एसटी ओबीसी और सामान्य वर्ग के गरीब, ये जरा इस चीज को समझ लीजिए भाई, और घर घर जाके समझाइए एक कर्नाटक मॉडल क्या है। ये कर्नाटक मॉडल बड़ा भयंकर है जी, खतरनाक है। मैं भी ओबीसी हूं, मैं तो डरी गया। अगर मैं डर गया तो आपका क्या हुआ होगा? इनका कर्नाटक का मॉडल ये है, और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, उनका मॉडल है कि ओबीसी को जो वोट कोटा मिला हुआ है, ओबीसी को जो आरक्षण का 27% कोटा मिला हुआ है, संविधान ने दिया हुआ है, भारत की संसद ने दिया हुआ है, बाबा साहब आम्बेडकर ने दिया हुआ है, उसी 27% ओबीसी की कोटे में से मुस्लिमों की सभी जातियों को आरक्षण दे दिया गया है। ओबीसी का लूट लिया गया, रातों रात कोई कानूनी प्रक्रिया किए बिना एक कागज पे थप्पा मार करके
उन्होंने सभी कर्नाटक के मुसलमानों को, वो कितना ही धनी हो, कितना ही पढ़ा लिखा हो, डॉक्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, कितना ही उच्च वर्ग का हो, सभी मुसलमानों को एक कागज पे थप्पा मार करके रातों रात उन सबको ओबीसी बना दिया। अब जब ओबीसी बन गए तो वो 27% की जो अनामत ओबीसी की थी उसके हकदार बन गए, और जो ओबीसी समाज के छोटे छोटे लोगों को आरक्षण मिलता था वो सारा का सारा उन्होंने लूट लिया। मुझे बताइए, ऐसा मॉडल आपको मंजूर है? कर्नाटक का ओबीसी को बर्बाद करने वाला मॉडल क्या ये देश स्वीकार कर सकता है? ओबीसी के हक को जाने देंगे? ओबीसी के हक की रक्षा करेंगे कि नहीं करेंगे? उनके आरक्षण की रक्षा करेंगे कि नहीं करेंगे? इतना ही नहीं, जब ये केंद्र सरकार में थे, कांग्रेस वाले मेरे आने से पहले जब केंद्र सरकार में थे, तब 2011 में भी इन्होंने पिछड़ों के आरक्षण का हिस्सा कम करके उसे धर्म पर, धर्म के आधार पर बांटने के लिए आदेश जारी किया था। कांग्रेस सरकार के उस आदेश पर न्यायालय ने, कोर्ट ने स्टे लगा दिया था। अब फिर से कांग्रेस ने नए तरीके से आरक्षण को लूटने का एक फॉर्मूला निकाला है, प्रोजेक्ट शुरू किया है। कांग्रेस की मंशा संविधान को बदलकर दलितों, पिछड़ों के आरक्षण को छीनकर उनके जो खास लोग हैं, जो उनकी वोट बैंक है, वो वोट बैंक को देने के लिए वो खेल खेल रहे हैं। आप मुझे बताइए, ओबीसी आरक्षण में इस डाके पर समाजवादी पार्टी पूरी तरह मौन लगाकर क्यों बैठ गई है? क्या कांग्रेस के साथ रहकर के समाजवादी पार्टी भी पिछड़ों के आरक्षण की विरोधी बन गई है? सत्ता पाने की लालच में ओबीसी के पीठ में छुरा भोंकने का खेल खेल चल रहा है? क्या यूपी का पिछड़ा समाज, चाहे हमारे मौर्या हो, कुर्मी हो, यादव हो, कुशवाहा हो, ऐसे छोटे छोटे कई समाज हैं, क्या इस अत्याचार को बर्दाश्त करेंगे? इस अत्याचार को बर्दाश्त करेंगे? इसको सहन करेंगे? साथियों, हमारे देश में सालों से सामान्य वर्ग में जो गरीब थे, चाहे ब्राह्मण का बेटा हो, बनिय का बेटा हो, क्षत्रिय का बेटा हो, जो गरीब थे उनको लगता था कि हमारा कौन देखेगा, हमारी कौन चिंता करेगा। भाइयों बहनों, मैं गरीब मां का बेटा हूं, मैं हर किसी का दर्द समझता हूं, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को आपने सेवा करने का मौका दिया, मुझे आपने प्रधान सेवक के रूप में सेवा करने का मौका दिया, तो मैंने पार्लियामेंट में जो सामान्य वर्ग के लोग हैं,
बनिया ब्राह्मण राजपूत वगैरह जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनमें भी गरीबी है। मैंने उन गरीबी की चिंता की और उनके लिए 10% आरक्षण बनाया और किसी का भी चोरी किए बिना किसी का भी आरक्षण लूटे बिना देश में कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए बिना सबको समझाकर प्रेम से और सबके गले उतरा कि ब्राह्मण का बेटा भी गरीब होता है, बनिए का बेटा भी गरीब होता है, क्षत्रिय का बेटा भी गरीब होता है। और मैंने एक भी तनाव के बिना एक काम किया और आज उसका लाभ मेरे इन गरीब परिवारों को मिल रहा है। जबकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एससी एसटी ओबीसी का अधिकार छीनकर अपने वोट बैंक को मजबूत बनाने के लिए धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं। साथियों, इन दिनों कांग्रेस के साझेदे के एक और इरादे ने पूरे देश भर में हड़कंप मचा दिया है। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस हर देशवासी की संपत्ति की एक्सरे जांच करवाएगी। आपकी भी एक्सरे जांच होगी, आपके घर की एक्सरे जांच होगी, आपकी अलमारी की एक्सरे जांच होगी, आपका बैंक में लॉकर हो तो उसकी एक्सरे जांच होगी और आपके पास कितने पैसे हैं, क्या कमाया है, कितना सोना है, कितने गहने हैं, माताओं बहनों का मंगलसूत्र कितने सोने का है, ये सारी जानकारी बोले हम इकट्ठी करेंगे। आपने जो गाड़ी कमाई से इकट्ठा किया है वो कहते हैं एक्सरे करके ले लिया जाएगा और जिनके पास नहीं है उनमें बांटा जाएगा। आपकी कमाई का पैसा आपके पैसों को उनकी वोट बैंक को मजबूत करने के लिए उनमें खैरात कर दिया जाएगा। भाइयों बहनों, क्या आपकी कमाई हुई पूंजी किसी को लूटने देंगे क्या, आप लेने देंगे क्या? भाइयों बहनों, ये कहते हैं, खुलेआम कहते हैं इस देश पर संसाधनों पर किसका पहला अधिकार है उसको दे देंगे। शाहजहांपुर का ये क्षेत्र तो खेती किसानी का क्षेत्र है, यानी अब कांग्रेस की नजर किसानों के खेतों पर भी पड़ी है। कांग्रेस ने कहा है कि वो आपके खेत खलिहान का भी एक्सरे करवाएंगे, जांच करवाएंगे। इसके बाद कांग्रेस का इरादा आपकी जमीन छीनकर अपने पसंदीदा वोट बैंक को देने का है। मैं जरा आप सब साथियों से पूछना चाहता हूं, क्या आपको ये मंजूर है? इतनी ताकत से मुझे जवाब दीजिए ये दिल्ली वालों के कान फट जाए। क्या आपको मंजूर है? आपको मंजूर है? क्या देश मंजूर कर सकता है? इतना ही नहीं, कांग्रेस एक और साजिश देश के किसानों के खिलाफ कर रही है। आज देश के ज्यादातर किसानों के पास उनके पुरखों की जमीन है, तीन तीन चार चार पीढ़ी से खेत में काम करते हैं, वही जमीन है ना? कोई आपके पास कोई खरीदने गए हैं क्या? आपके पुरखों की है ना? आपके दादा परदादा ने
बहुत मेहनत से ये जमीन जुटाई और आपको जाने के बाद दे दी। उनके दिए हुए खेत खलिहान उसी से आपके परिवार का पालन पोषण हुआ, उसी खेती से आपके घर में धन संपत्ति आई, बच्चों की पढ़ाई लिखाई शादी ब्याह उसी खेती की कमाई से हुई। लेकिन कांग्रेस चाहती है कि अब आप ये खेत अपने बच्चों को देंगे तो उस पर 50% से ज्यादा हक कांग्रेस सपा की जो सरकार वो बनाना चाहता है उसके कब्जे में जाएगा। कांग्रेस आपकी जमीन, आपका घर और जो कुछ भी पुरखों का दिया आपके पास है वो सब छीन कर ले जाएगी, ताकि उसके वोट बैंक को खुश करने के लिए बांटा जा सके। और कांग्रेस की साजिश में समाजवादी पार्टी बराबर की भागीदार है। दो शाहजादों के फिर से साथ आने का सबसे बड़ा आधार तुष्टीकरण की राजनीति है और इसलिए आज पूरा देश कह रहा है कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। साथियों, आपकी कमाई पर पंजा डालने की प्लानिंग करने वाले ये वो लोग हैं जिन्होंने देश में लाखों करोड़ रुपये से ज्यादा के घोटाले किए हैं। ये लोग आपकी संपत्ति का, उसको हड़पने का खेल खेलना चाहते हैं। मोदी उनको साफ साफ बता देना चाहता है 4 जून के बाद आपके आशीर्वाद से फिर से मोदी जब सरकार बनाएगा ये भ्रष्टाचारियों का हिसाब होगा, घोटालों की काली कमाई को बाहर निकाला जाएगा और ये देशवासियों को मोदी की गारंटी है। साथियों, आप शाहजहांपुर से भाई अरुण कुमार सागर और धौरहरा से बहन रेखा वर्मा को जितनी बड़ी जीत देंगे मोदी की ताकत उतनी ही बढ़ेगी। साथियों, आज जब मैं आपके बीच आया हूं तो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, जनप्रिय नेता मानवेंद्र सिंह जी की दुखद अनुपस्थिति हम सबको कष्ट भी देती है। दादरौला में हमें मानवेंद्र सिंह जी के संकल्पों को पूरा करना है, करेंगे, घर घर जाएंगे, भारी मत से जिताएंगे, हर पोलिंग बूथ को जीतेंगे। अच्छा, मेरा एक और काम करेंगे, मेरा एक काम करोगे, पर्सनल काम है, करोगे, करोगे, घर घर जाना और जाकर के कहना अपने मोदी जी आए थे, मोदी जी ने आपको प्रणाम कहा है, मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे, मेरे प्रणाम पहुंचा देंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।